आज मेरा बेटे का देहांत होके मर्डर होके 4 दिन हो गए। प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया में मेरे बेटे के बारे में उन्होंने रात को 1 बजे पोस्ट होता है उसका आईडी से, जबकि वो अरेस्ट है, उसका मोबाइल जब्त है। इस केस को डाइवर्ट करने के लिए रात को 1 बजे इंस्टाग्राम में रील्स भेजते हैं, गलत मैसेज भेजते हैं। मैं ये सारी स्टडी करके मैं डे 1 से बोल रहा हूँ मेरे को न्याय दो। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा। क्या आपसे नहीं होता है तो CBI को दो, मैं किसको मांग करना। आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना। मैंने आज अपने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी, स्थलीय अपने महेश टेंगनकर जी MLA जी और अनेक अपने नेता वाले भाजपा नेचे वाले अपने को संतान बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा, उनको दुख हो के अपने को संतान बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को मेरे को हिम्मत देके गए हुए। इस दौरान आप किस तरह का मांग उनके सामने रखा है? मांग मैंने ये किया है, ये आज हमारे बेटे को हुआ है, दूसरा बेटे को नहीं होना चाहिए और एक नेहा मरना नहीं चाहिए। पूरी जितने भी आज राज्य में और देश में जो मेरे बेटे का उम्र के लड़की लोग आज पढ़ रहे हैं वो मेरे ही बेटे समझता हूँ। कोई और नेहा का हत्या नहीं होना करके मैं डिमांड रखा हूँ। और बाहर आकर उन्होंने बताया कि आपको मिलने के बाद में बाहर आकर उन्होंने बताया कि नेहा के पिताजी ने CBI इंक्वायरी करने की मांग की है। आखिर क्यों CBI इंक्वायरी की मांग आपने किया है? मैं आज मेरा बेटे का देहांत होके मर्डर होके 4 दिन हो गए। प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस पुलिस वाले ने क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए, वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन CDR रिपोर्ट लेके या वो जो ये जितने भी ये कांड किया है उसके साथ वो अकेला नहीं कर सकता है। वो टाइमिंग फॉलोअप करना, उसको रिपोर्ट देना, ये कॉलेज आई क्या नहीं आई ऑब्जर्वेशन में रखना, एक आदमी काम नहीं है। 2.5 घंटे से उधर ऑब्जर्वेशन में है, टोपी पहन के मास्क पहन के, और 4-5 दिन से उधर ही घूम रहा है करके सब पता है। तो एक आदमी का काम नहीं है, तो सबको पता था। और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे से ज़्यादा वो लोगों को जानते थे, खुद वो आरोपी ही बोला हुआ है, मुरजिमी ही बोल दिया है कि ऐसे ऐसे घटने में मैं ऐसे ऐसे दिन में उबले आया था और ऐसे घूमता। उसका साथ और कौन थे वो भी उन्होंने थोड़े लोगों का नाम भी लिया, वो खुद ने लिया है। उसके बाद अपने सोशल मीडिया में मेरे बेटे के बारे में उन्होंने रात को 1 बजे पोस्ट होता है उसका आईडी से, जबकि वो अरेस्ट है, उसका मोबाइल जब्त है। और रात को इस केस को डाइवर्ट करने के लिए रात को 1 बजे इंस्टाग्राम में रील्स भेजते हैं, गलत मैसेज भेजते हैं, उसको बदनाम करने के लिए देखते हैं। तो मैं ये सारी स्टडी करके मैं डे 1 से बोल रहा हूँ मेरे को न्याय दो, मेरे को न्याय दो और मेरे को मेरे बेटे को आत्मा का शांति दो। कोई और बेटी देश में मरना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। और जितने भी पढ़ रहे आज उनको आतंक में वो घूम रहे हैं। आज उनका कॉलेज में सारी स्टूडेंट्स हॉस्टल में जितने भी लेडीज थे सब चले गए, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हायर एजुकेशन करने के लिए आए थे सभी लड़के लोग, सब पेरेंट्स वाले अलर्ट हो गए और उनको घर पे बुला लिया है और आज कॉलेज भेजने के लिए भी मना कर रहे हैं। और डर पैदा हो गया, उस डर को दूर करना किसका काम है? प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन। आज हमारे नेहा का ही होने के बाद तो तुरंत एक तो आदमी को तो पुलिस ऑफिसर ने भेजना है इन्वेस्टिगेशन में करना, या कोई इंटेलिजेंस वाले को भेजना है, या क्राइम वाले को उधर सर्च करने के लिए क्या हाथ है, सभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किस कारण से आप पीछे हट रहे हैं? मेरा बेटे तो मर गया, आप नहीं किया तो भी देश इसको ऑलरेडी
जितने भी संघ संस्थाएं है, जितने भी एसोसिएशन है, सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रीय पार्टी है और नेता वाले है, जो निगम पार्षद है, MLAs है, मंत्री लोग है, सभी बोल रहे हैं, केंद्र मंत्री तक बोल दिया है। ये दुख जो है ना, हमको बहुत बुरा लगा कर। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा, नहीं उसको अरेस्ट करने में, मैं इसके लिए मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, या आपसे नहीं होता है तो CBI को दो। मैं किसको मांग करना, आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना। मैंने मेरे को कर्नाटक सरकार की जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है, पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। जो इस केस में यहाँ पे जो कमिश्नर है, एक लेडी है, इस केस में लेडी होते के नारायण, एक लेडी का, एक लड़की का उसको मर्डर होता है, सीरियस नहीं लेती हो, खाली आती है, बोलती है हम आपके साथ हैं, ये दो बात छोड़ के तीसरा नहीं कर रहे 4 दिन से। कोई नाजायज आदमी का बात सुन के, कहीं किसी का पावर प्रेशर में है, वो थोड़ा सा पीछे हट के गृह मंत्री को गलत बयान देने के लिए लगाना है और मुख्यमंत्री को गलत बयान लगाने के लिए देना, ये उनका काम चल रहा है। ये मेरे को जो मीडिया में आता है और तुरंत मेरे को उसका रिपोर्ट आता है, और कहीं भी लोग भी बोलते हैं, ये ऐसी घटनाएं में सरकार को भी यहाँ से आपका कमिश्नर ने उल्टा बता रहे, उनको रिपोर्ट से उनका बयान देने के लिए लगा रहे, वो भी उन्होंने बोला मेरे बयान से कोई आपको दुख लगी है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते करके इतना तक लेके आया। तो ऐसे ऑफिसर को आपने अभी तक क्यों रखा, जब आपको ही इस केस का झूठा बयान देने के लिए लगाते हैं तो इस कमिश्नर को रख के आपको क्या फ़ायदा है। एक लेडी है, एक लेडी को हत्या हुआ है, कोई और नहीं है, उसका बेटी है, उसका बेटी का हत्या हुआ है, वो खुद इंटरेस्ट लेके आप खुद चले जाओ, कोई अफेयर नहीं चाहिए, मेरा काम मेरे को करने दो करके एनकाउंटर करना चाहिए था। बंदूक जब वो पुलिस ऑफिसर वो बन के आते तभी दिया रहता है, आज उसके पास वो ताकत नहीं है तो उसको लिया, हम तो विश्वास भी टूट गया उनके ऊपर। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको भी ट्रांसफ़र करना है यहाँ से, और इमिडिएटली गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को मैं विनंती करता हूँ, मेरे नेता लोग है, वो मेरे मुख्यमंत्री है, मैं उनके पार्टी का निगम पार्षद हूँ, और मुख्य गृह सचिव भी हमारे आदमी है, हमारे सरकार है, हम डिमांड करते हैं कि इस कमिश्नर को आप इमिडिएटली इस केस के लिए लापरवाही करने के लिए इसको हटा के दूसरा कमिश्नर देखो, या इस इन्वेस्टिगेशन आप COD दे दो, या नहीं तो आपको मैं तो सबको डिमांड करूंगा, या CBI देता हूँ, ये मेरा डिमांड है।